तो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। जितने स्टूडेंट ने अपना स्कॉलरशिप के फॉर्म को सही कराने के लिए हमारे द्वारा बताए गए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दिया था, ऐसे में कम से कम 10-15 से ज़्यादा स्टूडेंट ने हमारे पास पर्सनली मैसेज करके बोल दिया कि सर अब जो है स्टेटस आपका अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। मतलब मैं फाइनली आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि स्टेटस आप सभी स्टूडेंट का अपडेट होना स्टार्ट हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप सभी स्टूडेंट को ऐसे ही स्टूडेंट का स्कॉलरशिप का स्टेटस वेरीफाई हुआ है जितने स्टूडेंट ने अपनी एप्लीकेशन समाज कल्याण विभाग में दी थी। मैंने ऑलरेडी सभी स्टूडेंट से बता दिया था कि जब तक आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म समाज कल्याण विभाग में जमा नहीं करेंगे तब तक जो है आप सभी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आनी मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग की ओर से एक और एडवर्टाइजमेंट स्टूडेंट निकाला गया है। यह एडवर्टाइजमेंट इस रिगार्डिंग है कि जितने स्टूडेंट ने अभी तक अपना स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन जमा नहीं किया है उतने स्टूडेंट के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है कि वो लोग जाकर के अपना एप्लीकेशन जमा कर दे। साथ ही साथ जिनका यूआईडी इनवैलिड नहीं है उनको मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे सभी स्टूडेंट भी अपना जाकर के और वहां पे एप्लीकेशन देंगे, चाहे बैंक से प्रॉब्लम है, चाहे सेम अकाउंट नंबर का प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर पेंडिंग आ रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से किसी भी रीजन का, तो ध्यान दीजिएगा सभी रीजन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लग रहा है और उसमें सब्जेक्ट केवल व केवल चेंज हो रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप पता नहीं कर पा रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म समाज कल्याण विभाग से कैसे देखें कैसे लिखें, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म लिख सकते हैं और उसके बाद समाज कल्याण विभाग में जमा कर सकते हैं। परेशान होने से कोई बात नहीं स्टूडेंट, मैं सीधे तौर पर आपको बताता हूँ, एप्लीकेशन दीजिए और 7 दिन के अंदर अपना सारी चीज़ों को वेरीफाई कराइए। 7 दिन का समय आपका जरूर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति नहीं मिली तो 2 दिन में दुरुस्त कराए तकनीकी खामी। मतलब कि जितने आपके पास खामी है तकनीकी उससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को आप दूर करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 दिन का समय आपको और मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10-70 कक्षाओं में के ऐसे विद्यार्थी जिनकी छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि खाते में हस्तांतरित नहीं होने की शिकायत है तो इसे लेकर के जिला समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें। ये समस्या उन सभी विद्यार्थियों में आ रही है जिनका जिला स्तरीय कमेटी द्वारा रिजेक्ट किए जाने के मैसेज मिल रहे हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूं कि जिनको जिनको मैसेज मिला हुआ है कि उनका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गया है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से, तो वो वहां पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट तभी आप लोग का मान्य होगा जब वहां पर आप लोग कॉलेज द्वारा अटेस्टेड करवा के लेके जाएंगे, सिग्नेचर रहेगा कॉलेज के प्रिंसिपल का या फिर आपके एचओडी का, तब जाकर के वहां पर आपका काम भी तेजी के साथ होगा और आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, ठीक है। तब सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है, उसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी है, स्कॉलरशिप कमेटी के लिए भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी है, तो आप वहां से जाकर के और आराम से अपने स्कॉलरशिप आप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर के स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं।